हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज के क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, किसी राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई किसके द्वारा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या केरल? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के अंतर्गत नहीं आती है? तंबाकू, कोपरा, सब्जी या फल, या पटसन? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जी या फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? अरहर, मसूर, उड़द, या मूंग? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया? कपास, तंबाकू, धान, या गेहूं? यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूलन मंडी, या मार्केट इंटेलिजेंस की कमी? यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन मंडी, यानी अनुकूल मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि ICAR रैंकिंग के अनुसार 2016-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालय की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर है? ऑप्शन आपके पास नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु, या असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ आपका ये ऑप्शन सही है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, जो की हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा संगठन नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों पर आयोग, या भारत के कृषि निगम? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के कृषि निगम। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कब भारत सरकार ने किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? 2017 से, 2016 से, 2015 से, या 2018 से? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, 2018 से। इस क्वेश्चन देखते हैं। 2019-20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल है? 1620 रुपए प्रति क्विंटल, 1460 रुपए प्रति क्विंटल, 1280 रुपए प्रति क्विंटल, या 1840 रुपए प्रति क्विंटल? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1840 रुपए प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा है कि अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया? 1954, 1948, 1946, या 1952? यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के लिए सब्सिडी को एक नीति के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जिसमें इसे किसानों को कितने रुपए प्रति टन के अधिकतम खुदरा मूल्य पर प्रदान किया जाता है? 4730 रुपए, 3950, 2480, या 5360? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5360 रुपए प्रति टन। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? जौ, चावल, गेहूं, या मक्का? यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेहूं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा है कि भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने फसलें शामिल की जाती हैं? 20, 22, 24, या 18? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा है कि पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? आलू की, टमाटर की, केला की, या पपीता की? यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, टमाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा है कि यदि उपयोग या इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3.0 किलोग्राम कीटनाशक है, तो 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए सिमजीन यानी 80% WP की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 1 किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, या 0.75 kg? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि छिड़काव किए जाने वाले द्रव की सांद्रता की गणना करें जब 1.51 मोनो प्रोटोफास 36 SEC
को 1001 छिड़काव का द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल में उपयोग किया जाता है। ये मैथ से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन करना होगा। और यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, 0.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे हैं गन्ने के मामले में रोपड़ सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? गन्ने का निचला 1/3 भाग, गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग, या गन्ने का मध्य 1/3 भाग, या पार्श्व की कलियां? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहे हैं मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी। इस पहल का उद्देश्य क्या था? सभी गांव में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करना, वैधानिक नियंत्रण कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, भूमि के आकार के बावजूद सभी किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करना, या यूरिया की निर्बाध आपूर्ति का उपयोग करके बेहतर कृषि उत्पादन सुनिश्चित करना। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन जाएगा हो जाएगा वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? गेहूं और चावल, मक्का और चावल, चावल और चीनी, या गेहूं और चीनी? यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही है, चावल और चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या का कितना % रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? 45 से 55%, 65 से 70%, 30 से 40%, या 60 से 65%? यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 45 से 55%, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? 1995 से 1996, 1998 या 1999, 2000 से 2001 के बीच में, या 2004 से 2005 के बीच में? यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1998 से 1999 के बीच में किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की गई, KCC जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहे हैं खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 1450 रुपये प्रति क्विंटल, 1470 रुपये प्रति क्विंटल, 1475 रुपये प्रति क्विंटल, या 1360 रुपये प्रति क्विंटल? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ जो आपका ये ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, 1450 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965, 25 जनवरी 1966, या 1 जनवरी 1960? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 जनवरी 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, या लियोनिड ब्रेजनेव, या निकिता खुश्चेव? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन सही है, जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा हूँ वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? 9वीं, 11वीं, 10वीं या 12वीं? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, इस टाइम वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू है। फिर कह रहा है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेज और सम्मिलित विकास, तेज शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, तेज विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित विकास, या तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन सही है, तेज सतत और अधिक सम्मिलित विकास। इस क्वेश्चन में कह रहा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, या 6ठी पंचवर्षीय योजना? यहाँ जो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया, कौन सा है वो? औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, या उदारीकरण? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही है, औद्योगिकरण। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ये आपका सेकेंड पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, इसके आगे हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, अगर सभी को आप लर्न कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।